खबर पीपलकुंड से। उपखंड अधिकारी पीपलकुंड के नाम भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ब्लॉक पीपलकुंड के पदाधिकारियों ने जनजाति आयुक्त जनजाति क्षेत्र विभाग उदयपुर को ज्ञापन दिया और मांग की कि वनाधिकारी 2006 नियम 2008 एवं 2012 के तहत दावों को लेने व निस्तारण हेतु आयोजित विशेष ग्राम सभा सीमा बढ़ाने की व कर्मचारियों अधिकारियों को पाबंद करने की मांग की है। इस मौके पर भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी मुकेश निनामा, एडवोकेट सतीश निनामा, पवन निनामा, मनोहर निनामा, मोहन जीवनलाल, रमेश रामलाल, प्रकाश देवीलाल, एडवोकेट हरीश, एडवोकेट प्रभुलाल निनामा, एडवोकेट रमेश चंद्र, दिनेश व कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। खबर राजसमंद से। राजसमंद लोकसभा सांसद दिया कुमारी भीन थाना क्षेत्र के पतली पली नगर के हवलदार सुरेंद्र सिंह के घर पहुंची, जहां उन्होंने शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दी। साथ ही हवलदार सुरेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा दिलाने की कोशिश करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि पिछले दिनों पठानकोट में हवलदार सुरेंद्र सिंह का निधन हो गया था। इससे पहले सांसद दिया कुमारी अपने ब्यावर दौरे से पहले पीपली नगर कस्बे में पहुंची। यहां उन्होंने हवलदार सुरेंद्र सिंह के परिजनों को सांत्वना दी और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। सांसद दिया ने हवलदार सुरेंद्र सिंह के बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में दाखिला करवाने और उन्हें शिक्षा दिलाने का भरोसा दिलाया। सांसद ने कहा कि हवलदार सुरेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए वह रक्षा मंत्री से मुलाकात करेगी और उनके सामने पैरवी करेगी। इस मौके पर पूर्व विधायक हरीश सिंह रावत प्रधान, कुलदीप सिंह देवगढ़ नगर पालिका चेयरमैन शोभा लाल रैगर, नगर अध्यक्ष अमर सिंह, पार्षद प्रदीप सिंह, भीम उप प्रधान नारायण सिंह सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज शहीद के घर आपने निरीक्षण किया तो आपको आपकी तरफ से क्या सहयोग रहेगा? मेरी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा कि इनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और परिवार को भी, जैसे उनके जो वाइफ हैं उनको भी नौकरी की बात और बच्चों को एजुकेशन के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगी। मंत्री जी से दिल्ली जाऊंगी जब मिलूंगी और उन तक ये बात पहुंचाऊंगी कि इनको इनका हक मिलना चाहिए। इन्होंने देश के लिए पूरा अपना जीवन ही न्यौछावर कर दिया। बच्चे बहुत छोटे हैं, माता पिता भी बूढ़े हैं, तो बिल्कुल पूरा प्रयास करूंगी मैं कि इनको।